ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट जो है कि कोई भी राइज या कोई भी फॉल अगर आता है ट्रैक में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है या तो वन इन एक्स फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में, जैसे कि वन इन 100। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 100 मीटर हॉरिजेंटली चलते हैं तो हम वर्टिकल में 1 मीटर ऊपर चलेंगे, ठीक है। या 1 in 100 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 1 in 100 into 100, इसका मतलब हो गया 1%, ठीक है। आगे जो है टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रूलिंग ग्रेडियंट्स। रूलिंग ग्रेडियंट्स जो होता है कि मैक्सिमम ग्रेडियंट ए डिजाइनर कैन वांट टू अचीव इज कॉल्ड रूलिंग ग्रेडियंट। लिमिट्स ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट्स मतलब हुआ कि अगर हमारा प्लेन टेरेन है तो उसमें हम लोग का जो लिमिट होगा वो 1 in 150 to 1 in 200 होगा, और हिली टेरेन में 1 in 100 to 1 in 150 होगा, ठीक है। रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कितना भी मैक्सिमम ग्रेडियंट हम डिजाइन कर सकते हैं किसी भी ट्रेन में, ठीक है। अगला जो मेरा ग्रेडियंट होता है टाइप मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम ग्रेडियंट में होगा कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का कर्व है, कुछ इस तरह का ट्रेन है, अगर एक स्लोपी ग्राउंड है, फिर एक मतलब कि अगर हमारे पास में देखो इस सेक्शन के इस तरफ अगर यहाँ से कोई व्हीकल, यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट के कारण इसमें क्या होगा कि उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, तो इसके कारण क्या होगा कि इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जिस काइनेटिक एनर्जी के कारण वो जो है ये राइजिंग ग्रेडियंट जो कि क्या है, काफ़ी स्टीपर है। क्या है? स्टीपर है किसके कंपेयर में? रूलिंग ग्रेडियंट के कंपेयर में। रूलिंग ग्रेडियंट से जो ये है स्टीपर, स्टीपर मीन्स मतलब कि अगर कोई स्लोप ये है, एक इस तरह का स्लोप हुआ और एक इस तरह का स्लोप हुआ, तो जिसका स्लोप ज़्यादा है उसको बोलेंगे स्टीप, और जिसका स्लोप थोड़ा कम है उसको बोलेंगे माइल्ड, ठीक है। तो जो ये वाला ग्रेडियंट जो हमारे पास में यहाँ पे है, ये ग्रेडियंट मेरा जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट से जो मतलब डिजाइन करते हैं हम लोग, वो ग्रेडियंट से क्या है ये ज़्यादा है। तो इसको ओवरकम करने में क्या हो जाएगा, जो हमको मदद मिल जाएगा किसके कारण, क्योंकि इस सेक्शन से इधर जो है हमारे पास में जो ट्रैक जो ट्रेन है उसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है ये इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये क्या करता है, इस स्टीपर ग्रेडियंट को ओवरकम कर लेता है, मतलब इस पर इसको पार कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह के ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट। जब भी हमको इस तरह का ग्रेडियंट का ज़रूरत पड़ जाता है, जहाँ पे हमको क्या करे कोई एक्स्ट्रा इंजन हमको देना पड़ जाता है किसी भी स्लोप को पार करवाने के लिए, जैसे कि हमारा देखो जैसे ये एक काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट है, लेकिन उसका रेंज जो है क्या है काफ़ी छोटा है, मतलब कुछ स्मॉल लेंथ तक, स्मॉल लेंथ के लिए काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे जो है एक सिंगल इंजन से जो अगर हमारे पास में ये तुम्हारा ट्रेन है, तो इस सिंगल इंजन से क्या होगा इस ट्रैक को पार नहीं कर पाएगा इस स्लोप को, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक इंजन एक्स्ट्रा इधर पीछे से भी देना पड़ता है, ठीक है। जनरली ये सब केस जो है हमको माउंटेनियस रेंज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और ये ग्रेडियंट भी होगा क्या होगा, ग्रेटर देन, ये जो पुशर ग्रेडियंट होगा ग्रेटर देन क्या होगा, रूलिंग ग्रेडियंट होगा, ठीक है, रूलिंग ग्रेडियंट होगा, ठीक। अगला हमारा जो ग्रेडियंट है वो अगला ग्रेडियंट जो है हमारा स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट है। स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो मिनिमम, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, मिनिमम ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, ठीक है। मिनिमम ग्रेडियंट हम इसलिए देते हैं ताकि क्या हो, ड्रेनेज पर्पस के लिए, मतलब अगर हमारा जो व्हीकल स्टेशन यार्ड में अगर लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका वाटर से क्या होता है उसमें
उसका सफाई किया जाता है, जिसके कारण जो उसके बाद उस वाटर को क्या करना चाहिए, कुछ स्लोप अगर हमारे पास में नहीं रहेगा तो क्या होगा, वाटर वहाँ पे जमा हो जाएगा, वहाँ पे पॉन्डिंग कंडीशन हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक मिनिमम ग्रेडियंट दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, जो वाटर वहाँ पर जो है वो तुम्हारा वो निकल जाए, ठीक है, ड्रेन ऑफ हो जाए। तो इसलिए हम लोग एक मिनिमम ग्रेडियंट रखते हैं स्टेशन यार्ड में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम ग्रेडियंट और स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट, ठीक है। इसका जो लिमिट होता है, लिमिट ध्यान रखना है, लिमिट जो होता है इसका वो मैक्सिमम हम रख सकते हैं 1 in 400, और मिनिमम ले सकते हैं 1 in 1000, ठीक है। अगला हमारा है ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेड कंपनसेशन का मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास में देखो क्या है, अगर हमारे पास में क्या है कि एक स्लोप भी है, ठीक है, एक राइडिंग स्लोप भी है, ऊपर हम ऊपर भी चढ़ रहे हैं स्लोप पे, और वहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमको टर्न भी करना है, मतलब इस तरह से हमको मोड़ना भी है, ठीक है, मतलब वहाँ पे हॉरिजेंटल कर्व भी है और क्या है हमारे पास एक स्लोप भी है। तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है कि जो ग्रेडियंट को है थोड़ा क्या करना पड़ता है, कम देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे मेरा स्लोप अगर ज़्यादा है, स्लोप अगर ज़्यादा रहेगा कर्व पे, तो क्या होगा उसमें, क्या होगा जो वियर एंड टीयर होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस व्हील में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट को कुछ परसेंटेज से कम कर देते हैं, ठीक है। तो वो हर एक ट्रैक के लिए अलग अलग है, जैसे कि 4BG ट्रैक 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, और 4 मीटर गेज के लिए 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, एंड और नैरो गेज के लिए 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व। ये डिग्री ऑफ कर्व आप लोग जो है सर्वेइंग में पढ़े होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मान लें कि एक ही रूलिंग ग्रेडियंट है ना, इफ़ रूलिंग ग्रेडियंट इज इन 1 in 150 ऑन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ब्रॉड गेज, ठीक, एंड द सेम टाइम ए कर्व ऑफ 4 डिग्री इज सिचुएटेड ऑन द रूलिंग ग्रेडियंट, व्हाट शुड बी द अलाउड रूलिंग ग्रेडियंट। तो क्या है कि वहाँ पे हमारे पास में क्या है कि एक स्लोप भी है, इस तरह का एक स्लोप है 1 in 150 का, और उस पर क्या है वहाँ पे एक स्लोप भी प्रेजेंट है जिसका डिग्री कितना है, जो एक सॉरी एक कर्व भी प्रेजेंट है, जो कर्व का डिग्री है कितना, 4 डिग्री। तो ठीक है, तो BG के लिए जो है हम लोग ग्रेड कंपनसेशन कितना लेते हैं, 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो 4 डिग्री ऑफ कर्व के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए 0.04%, तो 4 डिग्री के लिए 4 into 0.04 मतलब कि 0.16%, और 1 चूँकि ये परसेंटेज में है तो 1 in 50 को भी हम लोग क्या करते हैं परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, तो 1 in 50 को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 1/150 into 100, इससे हम लोग करेंगे तो फिर परसेंटेज में बदल जाएगा 0.00 0.667%, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो वहाँ पे क्या करना होगा कि ये तो एक्चुअल ग्रेडियंट है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि वहाँ पे चूँकि कर्व है, कर्व होने के कारण हमको क्या करना होगा, ग्रेडियंट को कुछ कम कर देना होगा। तो क्या कितना कम कर देंगे, 0.16% से कम कर देंगे, तो मतलब 0.00 0.667 - 0.16% इज इक्वल टू 0.50%। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे आंसर, आपको अगर इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ। अब इसको देखो चेंज कैसे करते हैं, 0.05 0.05507% को अगर चेंज करना चाहोगे तो 0% को चेंज करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 100 से, और ऊपर में हमको 1 चाहिए तो ये 0.507 को नीचे ले आएंगे नीचे, तो ये हम मेरा 1 in 197 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे सुपर एलिवेशन।